बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं देसी चिकन की कढ़ाई। देसी चिकन की कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने देसी चिकन लिया है, ये हाफ के जी चिकन है। इसको हमने एक पैन में ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें। एक दरमियाने साइज़ की प्याज हमने काट लिया, वो इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून रेड मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके गलने तक पकाएंगे। चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें 3 से 4 टमाटर डाल देंगे और इनको इस तरह इसके ऊपर रख देंगे। अब दोबारा इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर टेंडर हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर टेंडर हो गए हैं। अब टमाटरों की छिलके हम ऊपर से उतार लेंगे, किसी भी चीज़ से पकड़ के आप उतार लें इनको। ये टमाटरों के सारे छिलके हमने उतार लिए हैं, अब हम इन्हें तोड़ के ऐसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे और इन टमाटरों को हम मिक्स करेंगे। टमाटर हमारे मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1/2 कप ऑयल हम इसमें डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद जीरा डालेंगे और 3 से 4 हमने इसमें लौंग डाले हैं। और इस मसाले को हम 5 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए मसाले से। मसाले को हमने हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक भून लिया है और इसका ऑयल सारा अलग हो गया। अब ये हमारी देसी चिकन की कढ़ाई तैयार है, इसे डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तैयार है हमारी देसी चिकन की कढ़ाई। ये बहुत ही मज़े की और ये लज्जत से और ताकत से भरपूर होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।